बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय बाबा रामदेव, जय बाबा राम सफीर। देखिए, हम हैं जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा सीकर वालों की, जो कि उग्रवास कुम्हारों की ढाणी जिला फलौदी पर स्थित है। जी हाँ बंधुओं, भादे की दूज पर यहाँ पर समापन हो चुका है भंडारे का, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा राम सा पीर के जाने वाले पैदल यात्री यहाँ पर आते हैं, विश्राम करते हैं और स्नान वगैरह करते हैं। जी हाँ, पूर्ण सुविधाएं नहीं है, लेकिन बाबा राम सा पीर के जाने वाले यात्री यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं। तो देखिए, ये रात्रि का समय, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कितने सारे यात्री यहाँ पर आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उन यात्रियों की। जय बाबा राम सा पीर। ये देखिए, यात्री यहाँ आते हैं और विश्राम के दौरान यहाँ पे सर्वप्रथम है बाबा का जो निशान है, और जो निशान लगाने की जगह है यहाँ पर ला करके निशान लगा देते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये पूरी के पूरे भक्तजन यहाँ पर आए हैं और रात्रि में ये विश्राम करेंगे। और इनके साथ में है माता बहनी भी हैं, और उसी के साथ साथ में बाल गोपाल, युवक युवतियाँ सभी मौजूद हैं। और ये रात्रि का समय, सभी यहाँ पर आकर के विश्राम कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने कहा कि भंडारा जो दोज होती है भादवे की, उसमें समापन हो चुका है, लेकिन अभी भी निरंतर भंडारे के ऊपर ये भक्तजन पैदल यात्री आ रहे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जय बंधुओ, जय बाबा री, बलराम सा पीर की जय बाबा री, जय बाबा री। देखिए, ये युवा शक्ति, युवा शक्ति के साथ में यहाँ पर वरिष्ठ जन वगैरह सभी तो हैं। बंधु, आप कहाँ से आए हैं? सुखमंडला से। जी, अच्छे से बोलिए। सुखमंडला से आए हैं। ये सुखमंडला कहाँ पड़ता है? ये देचू के पास है। देचू के पास है। लगभग कितने यात्री हैं, कितने पैदल यात्री हैं आप? लगभग 100 के लगभग। 100 के लगभग हैं। और आपको पता था पहले से कि यहाँ पर जो सीकर वालों का भंडारा है, वहाँ पर रुकने करने की और स्नान वगैरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, हम पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं। जी, 4-5 साल से। बिल्कुल, ये जानते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, संपूर्ण व्यवस्था है यहाँ पर है। तो देखिए, आपको अभी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिल रही है, बिल्कुल संपूर्ण व्यवस्थाएं मिल रही है इनको। आगे आपको दिखाते हैं, जो इनके साथ में बुजुर्ग वार आए हैं और बच्चे आए हैं, उनको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सभी के सभी यहाँ पर बैठे हैं और भोजन व्यवस्था इनकी उधर चल रही है, और माता बहने और बाल गोपाल और वैष्णव सभी यहाँ पर रुके हुए। आइए दिखाते हैं वरिष्ठ जन। ये दृश्य देख लीजिए यहाँ का, जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा सीकर वालों का। जय बाबा राम सा पीर, जय बाबा राम सा पीर, जय बाबा राम सा पीर। ये देखिए, वरिष्ठ जन है, इन्हें सभी जो अभी यात्रा है उनके साथ में। आइए इनसे बात करते हैं। जी, जय बाबा री। तो आपको पता था कि भंडारा, यहाँ पर जो भंडारा लगता है तो सुविधाएं मिलेंगी? हाँ देखिए, वैसे हाँ, तो वैसे तो देखिए, दूज के दिन यहाँ पर सारी सुविधाएं जो होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती है। हाँ, ये खुला जरूर रहता है, लेकिन आपको पता था कि यहाँ पर जाके विश्राम की जगह मिलेगी और उसी के साथ साथ स्नान वगैरह की व्यवस्था मिलेगी। तो आप सब यहाँ पे पधारे। जी हाँ, आसपास के इलाके में सबसे शायद ये बढ़िया भंडारा है, बढ़िया है। जी जी जी, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर रहती हैं जब भंडारा चालू रहता है। और आप लोग यहाँ पे पधारे, आपका जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा सीकर वाले में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये देखिए, माता बहने भी हैं जो यहाँ पर अभी आई हैं और इधर उधर फ्रेश होने के लिए जा रही है, कोई हाथ पांव धोने के लिए जा रही है। और इनका देखिए, खाना भी यहाँ पे बन रहा है। जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री। ये देखिए, यहाँ पर भोजन व्यवस्था, जो अभी सभी बंधुजन माता बहने वगैरह सभी आए हैं उनके लिए देखिए भोजन व्यवस्था। ये यहाँ पर सभी मिलकर के खाना बना रहे हैं। जी हाँ, यदि यहाँ पर 10-20-25 जो भी भक्तजन आते हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था अवश्य हम कर देते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा संघ है और यहाँ पर रात्रि को रुक रहा है। ये देख पा रहे हैं आप स्वयं की व्यवस्था, स्वयं की व्यवस्था ये देखिए स्वयं कर रहे हैं। और ये सीकर वालों का विशाल भंडारा, जब ये चलता है तो यहाँ पर बहुत तरह के आयोजन होते हैं। और बाबा का यहाँ विशाल मंदिर है, जहाँ पर संध्याकालीन और प्रातःकालीन आरती भी होती है। बोल राम सा पीर की जय हो, जय हो। ये देखिए, सभी बंधुजन बैठ करके यहाँ भोजन ले रहे हैं, प्रसादी ले रहे हैं। वो कहते हैं सबके साथ का आनंद ही कुछ और होता है। जो अच्छा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, भोजन यहाँ पर, प्रसादी ले रहे हैं और अभी रात्रि को ये सभी यहीं पर विश्राम करेंगे। उसके पश्चात
रात्रि को 2-3 बजे या प्रातः काल यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे बाबा के दर्शनों के लिए। बोल राम साहब पीरे की जय, बाबा की जय, बाबा की। ये देखिए बंधुजन यहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं, और मनोरंजन के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि इनके फोन लग रहे हैं यहाँ पे। ये फोन चार्ज करने की पूरी सुविधा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि ये फोन चार्ज हो रहे हैं इनके। ये देखिए ये फोन भी चार्ज कर रहे हैं, ये सुविधा भी प्रदान की जाती है। जय बाबा जी। ये देखिए सब ये आराम कर रहे हैं रात्रि का समय। जी हाँ, जब ये भंडारा चलता है तब हम कहा करते हैं कि यहाँ पर कभी रात ही नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पर कभी रात नहीं होती, क्योंकि यात्री यहाँ पर आते रहते हैं, और बाबा के जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए पूरी सुविधाएं उस समय मिलती हैं। इस समय विश्राम की और हो सका तो चाय पानी की और स्नान की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। ये देखिए यहाँ पर सभी अब विश्राम की तैयारियाँ, इधर उनका खाना बनाता है, खाना खा करके यहाँ पे ये विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए माता बहनें भी यहाँ पर सभी अभी विश्राम की तैयारी में, और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की साइड में यहाँ पर पानी की संपूर्ण व्यवस्था, स्नान वगैरह करने की। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, तो देखा आपने बड़ी दूर दूर से बाबा के ऊपर जिनके विश्वास है और जिनकी भावना है वो बाबा के यहाँ पर दर्शन को आते हैं, और ये रास्ते में पड़ता है जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा चिकर वाला। तो इन्होंने किया अभी विश्राम, और ये प्रातः काल निकलेंगे। माता बहनें और जो वरिष्ठ जन हैं वो कर रहे हैं आराम, और ये देखिए युवा शक्ति हमारे साथ में है। मैं हूँ आपका पूर्णमल पारिक जवान भाई, तो देखते रहिए ऐसे ही प्यारे प्यारे पौराणिक स्थल और नई नई जानकारियां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोल बाबा राम साहब पीर की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की। मुरारी लाल पारी को जान